करते हुए असि डेली पोस्ट वेखण वाले सारे ही दर्शकों का स्वागत है। पंजाब भर के आईलैट सेंटर वालों अज रोस प्रदर्शन किया जा रहा। साढ़े नाल माइक्रो ग्लोबल के गुरमिलाप डल्ला ने उन्हां नाल गलबात करते हैं कि जो अज का रोस प्रदर्शन है किन्हां गल्लां नूं लैके आ। डल्ला जी पहला तो स्वागत है थोड़ा डेली पोस्ट वाले। डेली पोस्ट देख रहे सारे ही स्रोतों का मेरे वालों मेरे सारे ही MIT एसोसीएशन पंजाब दी सारियां एसोसीएशन वालों बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं साडी आवाज गवर्नमेंट लई गवर्नमेंट तक पहुँचाउण लई साडा साथ दित्ता। किन्हां गल्लां नूं लैके अज दा जिहड़ा रोस प्रदर्शन है मैं ये दसना चाहना लोगों को कि असी लोगों का फ्यूचर सिक्योर करने वाले हाँ। असी तकरीबन हर साल 1 लाख बच्चा पंजाब सरकार के गलों ला के कनेडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अलग अलग मुल्क सैट कर दें। नहीं जे असी ये देखा जाए कि 6-6.5 लाख बच्चा पंजाब का कल वख वख मुल्क पढ़ रहा जे वह भी इत्थे हुंदा पंजाब दे विच तां मेरे हिसाब दे नाल गवर्नमेंट नूं समझ ही नहीं आनी सी कि आने वाले बच्चों सैटल किवें करिए। पर अज गवर्नमेंट की एड्डी वड्डी नलायकी आ कि असी सानू सड़कों पर उतरना पै गया। जदों जदों भी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले लोग सड़कों पर उतरनगे धरने देंगे तो गवर्नमेंट की वड्डी नलायकी सामने आऊगी। सानू समझना पऊगा बसा चल सकदियां ठेके खुल सकते रेस्टोरेंट 50 जणियां बिठा के खवा सकते मैरिज पैलेस 50 जणियां सद के ब्याह कर सकते हैं। तो असी 10 बच्चे एक क्लास के बिठा के क्यों नहीं पढ़ा सकते? यद एक वाजिब आंसर चाहिए सानू। तुसी लै दिओ गवर्नमेंट आप डायरेक्टर दे देवे। मैं तो यह कहना कि गवर्नमेंट कोई प्लान बी नहीं, उन्हां नूं पता ही नहीं हैगा करना की है। बस जिथे जी करता किसी नूं बंद कर देंदे आ किसी नूं खोल देंदे आ, कोई प्लैनिंग नाल कुछ भी नहीं हो रहा। कहिंदे बच्चे पढ़नगे साढ़े कोले तां जी आउंदे ही सारे बच्चे ग्रैजुएट ने। जिहड़ा ग्रैजुएट हुंदा उह साढ़े कोल आउंदा, उह आपदी भली आपदी बुरी सारी समझदा। दूसरी चीज़ साढ़े कोले स्टूडेंट आउणे आ, असीं उहनां नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल डिसिप्लिन कर सकते हैं। असी उन्हां दी सोशल डिस्टेंसिंग किरत करने वाले किरती लोग हाँ, असी मंगते नहीं चंगे लगते। सानू तां तुसीं कम दिओ खोलण दिओ, असी आपदी 10-9 दी किरत करके कमावांगे। देखा जाए तुसीं सरकार दा हिस्सा सीगे, तुसीं भी कितने ना कितने नौकरियां प्रोवाइड करते सीगे। सरकार कहिंदी सी असी नौकरियां दित्तियां ने घर घर, मानदे हो भी तुहाडे भी रुजगार ते सरकार जिहड़ी इहनां कम्मां ते फेल होई है? 100% फेल होई है जी। तुसीं मैनूं इक गल दसो भी सानू गवर्नमेंट ने कहा भी घर घर नौकरी दा हिस्सा बणो। तुहानूं भी शायद पता होवे तुसीं मीडिया वाले वीरों तुसीं सब तों वध सरकार दीआं गतिविधियां ते ध्यान रखदे हो। सानू बुला बुला के उन्हां ने फार्म भरवाए भी किन्ने इंप्लॉई ने, उह सरकार दी घर घर नौकरी दा हिस्सा बणे। असी बनना चाहुंदे आ कल्ली सरकार दी घर घर नौकरी नहीं। जे तुसीं GST की गल करो, जे तुसीं टैक्सेशन विभाग की गल करो, जे तुसीं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की गल करो, बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां 10-10 हज़ार स्क्वेयर फीट खाली हो जाणगियां इह 1 महीने दे विच विच। जे इह इंडस्ट्री फेल हो जाती है 10 लाख बंदा अनइंप्लॉयड अच्छ घर के बैठा, कि उन्होंने कोई प्लैन है गवर्नमेंट का? जे है तो दसे पहलों वास्ते नहीं। जोड़े लोग कोई कहना पक्के कर दौ, कोई कहना नौकरी दे दो, असी तो वह भी नहीं करते। असी तो कहने सानू साडा काम कर लैन। देखा जाए सरकार ने कुछ राहत की गल कही सी जिवें बिजली, तो थोड़ा कोई राहत मिली है किसी सेंटर वाले? नहीं मिली सर, नहीं मिली, क्योंकि 33% स्टाफ के नाल सानू कहा गया भी काम करो, उहदे विच की टिकटां भी बंद पईआं, उह भी नहीं कर सकते। जिहड़ा आईलैट सेंटर तो टोटली ही बंद पै, जिहदा सानू रेंट पै रहा, ठीक है जी। इंप्लाई नूं तनखाह देने वास्ते गवर्नमेंट ने कहा भी वह भी दिओ, वह भी असीं पल्यों दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, पर सानू कोई राहत नहीं मिली। कुछ होर सेंटर के मालक ने उन्होंने गलबात करते रणिया साहब की चाहिए की है सरकार? असी तो यह चाहते हाँ भी जे सरकार ये गल सोच सकती है भी सरकार को घाटा पै रहा, वो ठेके चला सकती है कहदे वास्ते? घाटे वास्ते। जो बसा चला सकती है कि सरकार का जिहड़ा माली महकमा ठीक रह सके, तो फिर साढ़े वास्ते क्यों नहीं सोचती? असी कितों आपका गुजारा करिए? जे सरकार आपके गुजारे वास्ते ठेके बसा चला सकती, साढ़े सेंटर साढ़े को तो पढ़े लिखे ने होने, साढ़े ना बेइंसाफी क्यों है? सानू मजबूर हो के अज सानू सरकार नू सचेत करने वास्ते सानू अज गर्मी विच आना पिया कि सरकार नू साढ़े वाल भी गौर करना चाहिए। जो आपके वाल गौर करती तो साढ़े वाल भी गौर करे। धन्यवाद। अज तुसीं बसां च भी क्लासां लाइया, तुहानू लगता भी थोड़ी आवाज़ जिहड़ी सरकार सुनेगी? बिल्कुल, इस आवाज़ सुनाउण वास्ते ही सानू ये सब कुछ करना पै रहा, पर सरकार नू साढ़े बारे सोचना चाहिए। जे सरकार आपके बारे सोचती है तो साढ़े बारे भी सोचे।
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਗਲਵਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ बच्चे लिमिटेड बुलावांगे जिन्ने सरकार कहूगी 20-15-25 जिन्ने भी सरकार कहूगी असीं हरेक तरह ना सरकार ना चलने तैयार है पर सरकार सानू एक मौका तो दे ना जे कोई बंदा कुताही करता उहदा सेंटर उस दिन ही बंद कराया जाए असीं तां इत्थों तक कहिंदे आ साडे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लो गवर्नमेंट ने लाइसेंस कढ़े सीगे हरेक बंदे ने लाइसेंस लिया चाहे जिवें मर्जी लिया तो इस करके हुण भी असीं सरकार दे नाल हां सरकार नूं रेवन्यू दिंदे आ किन्ने हुण सरकार ने आईलेट्स दे टेस्ट खोलते 16 जुलाई तो आईलेट्स दे टेस्ट शुरू हो रहे आ पर बच्चे टेस्ट देने किमें जो इन्हों की तैयारी है नहीं क्लासा तो लानिया पैनगियां ना आप सीधा कह दिए भी बच्चों पेपर दो क्लास लाओ ना तो बच्चा पेपर किमें दूगा ठीक है ना जी इस करके साडे सेंटर खोलने सानू एक मौका दिता जाए जे कोई बंदा कुताही करता वो सरकार जो भी उन्होंने एक्शन होगा असं उन्होंने सिर मत्थे चढ़ावे असी किसी तरह का कोई अपोज नहीं करते पर सानू एक बार सेंटर खोलने की इजाजत दी है पिंडर साहब तुम की चाहते हो किस तरह का होना चाहिए भी तुम की आपके वालों जो पालन कर सकते हो आपके तौर असी जी सारे इंस्टीट्यूट्स जिहड़े मोगे दे सारे हैगे आ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 10 ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 50 ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 10 ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25-40% ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਅਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਹੋਣ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਨ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਲੀ